नमस्कार हिंदुस्तान, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ आरजे पूनम शर्मा। जी हां, हाजिर हूं एक बार फिर आपके साथ, आपके पास लेकर आपका पसंदीदा प्रोग्राम डॉक्टर हिंदुस्तान। डॉक्टर हिंदुस्तान में चर्चा कर रहे हैं आज हम विश्व में मनाए जाने वाले मस्तिष्क दिवस की। जी हां, आज विश्व मस्तिष्क दिवस है। देश के अलग अलग कोनों में, विश्व के अलग अलग कोनों में सेमिनार्स होती हैं। सभी डॉक्टर्स, न्यूरो डिपार्टमेंट अपनी इसके बारे में चर्चा करता है, कैसे आज की भागती दौड़ती जीवन में हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, अपने मस्तिष्क को स्वस्थ रख सकते हैं, उसके बारे में बताया जाता है। जहां भी अलग अलग चर्चा इस बार इस विषय को लेकर चर्चा हो रही है, जहां भी अलग अलग सेमिनार्स हो रहे हैं, डॉक्टर्स ने एक कॉमन बात कही। सभी डॉक्टर्स की अलग अलग विचार थे, अलग अलग उनके मत थे, लेकिन एक खास कॉमन बात निकल के आई। सभी डॉक्टर्स का कहना है, अगर हमें ज्यादा परेशानी होती है, सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं हमारे डिवाइसेस। चाहे हम मोबाइल का इस्तेमाल ज्यादा करते हों, हम कंप्यूटर लैपटॉप का इस्तेमाल ज्यादा करते हों, जितना ज्यादा हम टैबलेट वगैरह इन जो डिवाइसेस हैं इनसे घिरे रहते हैं, इससे निकलने वाली तरंगे हमारे बॉडी पार्ट्स को नुकसान पहुंचाती हैं। छोटी सी नेगेटिव शुरुआत एक बड़ी बीमारी का कारण ले लेती है। लेकिन हमारी मजबूरी है, आज हमारा ऑफिस, हमारे अकाउंट्स, हम सभी कुछ दुनिया हमारी मोबाइल और कंप्यूटर में ही रह गई है, लिपट कर रह गई है। हमें इनसे काम करने बहुत जरूरी है। ऑनलाइन बिजनेस चल रहा है, ऑनलाइन ऑफिसेस चल रहे हैं, तो इनसे हम दूर रह नहीं सकते। ये हमारी मजबूरी है, हमें इन डिवाइसेस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। चाहे हमें मेडिकल टर्म्स कुछ भी कहती है कि हमें दूर रहना चाहिए, लेकिन कैसे, जिनका ऑफिस, जिनका काम सारा ऑनलाइन होता है, वो इससे कैसे दूर रह सकते हैं। मिनिमम 8 घंटे तो हमें दिन के इसे देने ही पड़ेंगे। दूसरा मत डॉक्टर्स का ये रहा कि आज का जो कल्चर है, जिस तरह से युवा पीढ़ी रात को देर रात तक काम करती है, बिजी रहती है, या वो देर रात तक पार्टी करते हैं, अल्कोहल का ज्यादा सेवन करना ये हमारे लिए घातक सिद्ध हो सकता है। अगर आपका कल्चर ऐसा है, आपका लिविंग स्टैंडर्ड ऐसा है, आपको जाना जरूरी है, या आपको देर तक काम करना डिवाइसेस पर जरूरी है, मोबाइल कंप्यूटर का आपको काम करना बहुत देर तक जरूरी है, आपका ऑफिस है, आपका व्यापार है, बिजनेस है, उसके लिए सबसे अच्छा उत्तम तरीका यही है कि आप योग का सहारा लें। सुबह लें, शाम को करें, जब आपको समय मिल जाए तब करें, लेकिन कम से कम 15 मिनट अपने लिए निकालें, अपने योग के लिए निकालें, ताकि जो आपका व्यापार है, आपका बिजनेस है, आपका ऑफिस है, आपकी जो जीवनचर्या है रोज की, वो स्वस्थ रहे। आप स्वस्थ रहेंगे तो आपकी जीवनचर्या भी स्वस्थ रहेगी। ज्यादातर डॉक्टर्स का यही कहना है कि हम दवाइयां जो भी लेते हैं, दवाइयां हम लेते हैं, हमारी जरूरत है, लेनी चाहिए, लेकिन उसकी ओवरडोज से हमें बचना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप आदी हो जाएं कि आपके सर में अगर दर्द होता है देर तक काम करने से, तो आप डेली एक दवाई की आदी हो जाएं, वो बहुत हमारे लिए, किडनीज के लिए और हमारे शरीर के अंगों के लिए नुकसान कर सकती है। जिसकी एक बेहतर उन्होंने सलाह यही दी है कि यदि हमें अपनी जीवनचर्या को सही धर्रे पर, सही रास्ते पर लाना है, तो उसके लिए हमें योग करना बहुत जरूरी है। आप वो आसन करें जो इजीली आप आराम से, सुलभ तरीके से आप कर सकें, आप ऐसे आसनों का चुनाव करें। थोड़ी देर वॉक करें, लेकिन आप आसन जरूर करें। सुबह सुबह ताजी हवा में थोड़ी देर बाहर घूमने जाएं, इससे हमारे मस्तिष्क को, हमारे शरीर को बहुत आराम मिलेगा। यही डॉक्टरों की खास सलाह है। तो आज की मुलाकात बस इतनी ही, मुझे दे अनुमति फिर किसी नई सलाह को लेकर डॉक्टर्स द्वारा दी गई जो भी जानकारी है आप तक पहुंचाएंगे जल्दी से दोबारा ही। करते रहे काम, सुनते रहे रेडियो हिंदुस्तान, और खास संदेश, पेड़ लगाएं, सबको सिखाएं, पानी बचाएं, सबको सिखाएं। धन्यवाद।